नारियल की मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक नारियल को कद्दूकस कर लिया है। इसके जो काले वाले हिस्से होते हैं इसे हम निकाल लेंगे और इसे हम ग्रेट कर लेंगे, यानी कद्दूकस कर ले इसे। और एक पैन में हम डाल देंगे यहाँ पे 1.5 कप के करीब दूध। तो यहाँ मैंने पहले 1 कप डाला और यहाँ पर 1/2 कप, और दूध में हम डाल देंगे ये नारियल जो हमने कद्दूकस किया था, उस नारियल को दूध में डाल दें। ये नारियल की मिठाई बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ मैंने दूध में नारियल को डाल दिया है और अब हम क्या करेंगे कि इसमें पकाते हुए दूध को हम बिल्कुल आधा कर लेंगे। तो गैस को हाई रखें और इसे लगातार चलाते हुए दूध को गाढ़ा कर लें, यानी कि बिल्कुल आधा कर लेंगे हम दूध को। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा दूध था बिल्कुल आधा हो गया है, जलकर कम हो गया है। हम इसमें डाल देंगे 1 बाउल के करीब चीनी। चीनी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इसमें हम डाल देंगे, यहाँ पर मैंने गोल्ड पैकेट आता है अमूल का, मैंने उसकी मलाई को रखा है और उसे अच्छी तरह से मैं फेंट ली थी। आप इसके जगह कंडेंस मिल्क या दूध का मलाई कोई भी डाल सकते हैं। मलाई डालते वक्त आप मलाई को अच्छी तरह से फेंट लें और इसे हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लेंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि अच्छी तरह से पैन ना छोड़ने लगे। यहाँ देखिए हमारा जो दूध था बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, यानी इसमें का दूध पूरा सूख गया है। तब हम क्या करेंगे कि इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब घी को। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच के करीब घी को डाल दिया है। इसमें हम घी थोड़ा थोड़ा ही करके डालेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं 1 चम्मच डाली और इसे अच्छी तरह से हम इस तरह मिक्स कर लेंगे। इस नारियल की मिठाई में मैंने घी और चीनी की मात्रा को थोड़ा सा ज़्यादा ही मात्रा में डाला है। आप कम डाल करके भी इसे बना सकते हैं। तो 1/2 चम्मच के करीब और घी को डाल दें। इसे इस तरह अच्छी तरह से मिला लें और गैस को बिल्कुल हाई कर दें और हाई फ्लेम पे इसे चलाते हुए मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक बिल्कुल अच्छी तरह से मिश्रण पैन ना छोड़ने लगे। अब घी को हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिश्रण था बिल्कुल पैन छोड़ने लगा है, ये देखिए। तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है और यहाँ एक प्लेट लेंगे और सारे मिश्रण को प्लेट में हम डाल देंगे और अब हम इसका एक शेप बना लेंगे। तो जो भी आपको शेप ईजी लगे वैसा बना लें। तो यहाँ पर मैंने इसे स्क्वायर शेप में बना लिया है और अब हम क्या करेंगे कि ऊपर से हम कुछ डाल देंगे, ये कटा हुआ आलमंड्स। तो इस तरह बारीक काट ले आलमंड्स को और इस तरह ऊपर से डाल देंगे और स्पैचुला की मदद से इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये गिरे नहीं। ऐसे बिल्कुल ठंडा कर लें। तो यहाँ जो हमारा नारियल का मिठाई था बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब आपका जैसा इच्छा करें वैसे शेप में इसे काट लें। वैसे आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे स्क्वायर शेप में काटा है। तो यहाँ पर मैंने सारे नारियल की मिठाई को काट लिया है, ये देखिए। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी मिठाई बना है। ये देखिए, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कितनी टेस्टी ये मिठाई बनी है। ये देखिए मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ। तो इसे हम क्या करेंगे कि एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारे नारियल की मिठाई को एक प्लेट में निकाल लें। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी नारियल की मिठाई बनके रेडी है। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें।